एवरी वन वेलकम टू माई चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ देखिए, फाइंड एक्स इफ कह रहा है, एक्स फाइंड कीजिए यदि क्या है, 2 की पावर x है मल्टीप्लाई 5 की पावर x इज इक्वल टू 1000 है। तो हमें कह रहा है कि एक्स की वैल्यू निकाल कर दिखाइए। तो हम लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे। आइए देखते हैं किस तरह से एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे फिर ऐसे ही लिख लीजिए, 2x into 5x इज इक्वल टू 1000। ये गिवन है हम सभी के लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेस को गुना कर लेंगे, हो गया। और पावर सेम है तो पावर 1 लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से आपको। और यहाँ पे देखिए 1000 है तो 1000 का हम लोग क्या कर लेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे। अब फैक्टराइजेशन किस तरह से करते हैं आप लोगों ने सीख रखा होगा, नहीं सीखे हैं तो यहाँ देखिए, ये 1000 फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 10 से जा रहा है, 10 1 जा 10, 20, फिर देखिए, फिर 10 1 जा 10 10, फिर कितने पे गया, 10 1 जा 10, यानी कि ये फैक्टराइजेशन हो गया इसका। तो क्या आ गया, 10 into 10 into 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, 2 into 5 x ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे। और यहाँ पे कितना हो गया, इसको पावर्स में हम लोग शो कर लेंगे क्योंकि ये भी पावर में है, तो इसको भी हम लोग पावर में, यानी 10 raised to power 3 हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो गई, ठीक है। अब ये देखिए क्या है, 2 5 जा 10, यहाँ पे 10 की हम लोग x लिख लेंगे इज इक्वल टू 10 की 3 लिख लेंगे। अब देखिए ज़रा ध्यान से, ये 10 और ये 10 बराबर हो गए तो ये कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, x इज इक्वल टू 3, तो ये हो गया आपका, x की वैल्यू निकल गई, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, बस डैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो ज़रूर कीजिए।